जैसा कि कल ऐमन खान की स्टोरी और पोस्ट वगैरह से ऐमन खान ने अपने फैंस के साथ इस खबर को शेयर किया था कि फाइनली तौर पर मिनाल खान की शादी के 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें पहले बच्चे यानी कि बेटे से नवाजा है। ऐमन खान ने इस खबर पर बहुत ही खुशी का इजहार किया था और अपने फैंस को बताया था कि वो बहुत जल्द ढेर सारी पिक्चर्स और वीडियोस अपने भांजे की सबके साथ शेयर करेंगे। ऐमन खान ने चंद दिन कबल अपना और मिनाल का एक व्लॉग शॉपिंग व्लॉग भी शेयर किया था। इसके अलावा ऐमन खान ने अपने भांजे के लिए ढेर सारे तोहफे भी खरीदे और ऐमन खान ने बताया कि वो इन गिफ्ट्स की पैकिंग खुद कर रही हैं। ऐमन खान ने मुकम्मल तौर पर अपने व्लॉग में दिखाया कि उन्होंने अपने भांजे के लिए क्या क्या खरीदा है और ऐमन खान ने यह भी बताया कि वो मिनाल खान को मुकम्मल तौर पर सरप्राइज देने वाली हैं। वो मुकम्मल तौर पर पूरे हॉस्पिटल को और मिनाल खान के रूम को व्हाइट और ब्लू बैलून्स के साथ सजाने वाली हैं। ऐमन खान ने मिनाल खान के कमरे को भी खुद जाकर हॉस्पिटल रूम को सजाया, साथ में बेबी कॉट भी तैयार किया और भी ढेर सारी डेकोरेशंस की, जिससे देख के वाजा होता है कि ऐमन खान वाकई अपने पहले भांजे के आ जाने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश हैं। यहीं पर ऐमन खान ने अपने व्लॉग में मिनाल खान की तस्वीरें और वीडियोस भी दिखाई। मिनाल खान की भी खूबसूरत सी अपने बेटे के साथ पिक्चर्स शेयर की गई। एहसन मोहसिन इकराम जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, इनके अलावा इनकी मदर भी वहां मौजूद थी। मिनाल खान को ढेर सारी दुआएं दी और साथ ही साथ तमाम तर स्टाफ में मिठाइयाँ भी बांटी गई। यहीं पर अमल मुनीब ने भी, जो ऐमन खान की बेटी हैं, उन्होंने भी मिनाल खान के बेटे को यानी कि अपने कज़न को उठाई, प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनवाई और अमल ने भी अपने नए कज़न यानी कि हसन इकराम के लिए गिफ्ट्स खरीदे। यहीं पर आपको बताएं कि मिनाल खान ने प्रॉपरली ऑफिशियली तौर पर इसको कंफर्म कर दिया कि उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम हसन इकराम रखा है। सो व्यूवर्स, आप भी बताइएगा, ऐमन खान और मिनाल खान ने इतना प्यारा सा नाम अपने नए आने वाले बच्चे यानी कि हसन इकराम का नाम आप सबको कैसा लगा?